हमारी फिलोसफी थी फेसबुक के एड मैनेजमेंट के हवाले से, जिसमें एड के हवाले से काफी चीजें जो है वो डिस्कस की थी। आज हमने कुछ प्रैक्टिकल चीजें करनी है कि प्रैक्टिकली एड कैसे रन होता है, किस तरह से हम उसकी लोकेशन और टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आपकी तरफ रहता था, फेसबुक एड चीज है जिसपे हम गूगल पिक्सल को भी ऐड करते हैं अपने फेसबुक अकाउंट मैनेजर के साथ और उससे भी हम बदल लेते हैं। जो फेसबुक पिक्सल है वो बेसिकली हमें जो है वो ट्रैक करने में मदद करते हैं हमारे विजिटर्स के हवाले से। अब यहाँ पे जहां तक विजिटर्स का ताल्लुक है या फिर हमारी टारगेट ऑडियंस का ताल्लुक है, टारगेट ऑडियंस में बहुत सारी जो है वो लेयर्स है। हम हर एक को अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं कहते हैं। हर एक जो कस्टमर हमारे पास इंप्रेशंस पे आया या फिर कन्वर्जन पे आया तो हम उसको अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं कहते हैं। हम अपनी टारगेट ऑडियंस कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं उनको ट्रैक करने के लिए सेल्स के हवाले से। उसमें हम जो मेन ऑडियंस है उसको हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। ये ऑडियंस के फ्रेजेस हैं। अगर हम इस ऑडियंस को बेसिस को अच्छी तरह से समझ लें तो हम अपना जो बिजनेस है वो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे हम उसको अच्छे तरीके से रन कर पाते हैं। इसको हम बाद में जाकर इसको मैं इस तरह से भी आपको बताऊंगा कि अभी चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस ही कर रहे हैं और उसको आप फेसबुक पे भी लेकर आते हैं तो आप डबल आप सेल कर सकते हैं। और उसको ट्रैक करने के लिए आपके पास ऑडियंस होना बहुत जरूरी है, फेसबुक की ऑडियंस। और ऑडियंस की अगर हम बात करें तो इसमें चार तरह के मेन ऑडियंस होती है। नंबर वन आपकी कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस एक ऐसी ऑडियंस है जो कि रेंडमली आपकी जो है पिक्चर को या फिर आपने इंस्टाग्राम पे जो आपने पिक्चर्स लगाई हैं या फिर आपने फेसबुक पे जो पिक्चर्स लगाई है रेंडमली देख रही है, एड को रेंडमली देख रही है। उनको किसी के साथ कंसर्न नहीं है, ना ही उनको आपके बिजनेस के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है। वो एक लार्ज ऑडियंस होती है। अब जब हमने अवेयरनेस फैलानी होती है तो हम ऑब्वियसली हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्ट ऑडियंस कौन सी है, तो हम काफी एक कोल्ड ऑडियंस का एक हम एड स्ट्रक्चर आते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको नैरो डाउन करते हैं। सो कोल्ड ऑडियंस वो कि जिसको जो एक ब्रॉडर पॉपुलेशन है उसमें से हमने अपनी ऑडियंस निकाल ली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास होती है लेस कोल्ड ऑडियंस। लेस कोल्ड ऑडियंस वो वाली ऑडियंस होती है जिसका थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है आपके अकाउंट के ऊपर, जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती है, जिसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होती है या फिर एटलीस्ट वो थ्री सेकेंड आपकी पिक्चर को वो देखती है या फिर आपकी जो एड है उसको वो देखती है। तो वो वाली ऑडियंस जो है वो आपकी आ जाती है लेस कोल्ड ऑडियंस में। उसके बाद आपकी आती है वार्म ऑडियंस। एक बात याद रखना, वार्म ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन पता होती है। फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप फॉर एग्जांपल ब्यूटी या फिर कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका दुबई में किसी किस्म का कोई बुटीक है फॉर एग्जाम्पल, तो एक ऐसी ऑडियंस जिसको बुकिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसको पहले से ब्रांड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है, ब्रांड चेक करती रहती है, आपकी ऑडियंस परचेज करती रहती है, उसको इंफॉर्मेशन पहले से ब्रांड नॉलेज है, तो उसको हम वार्म ऑडियंस कंसीडर करते हैं, जो कि हम हमारे एड के ऊपर 10 सेकेंड से ज्यादा मिनिमम 10 सेकेंड जो है हमारी एड पर रहती है, वो तो हमारी एक वार्म ऑडियंस होगी जो कल हमसे चीज परचेज कर सकती है। पर हम क्या चाहते हैं कि हम बार बार अपनी जो वार्म ऑडियंस है उसको हम बार बार पेनिट्रेट करें, बार बार हिट करें और फिर जाकर हम अपने प्रोडक्ट को परचेज करें। उसके बाद आपकी आती है कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस वो होती है वो जो डायरेक्टली आपको सब्सक्राइब करती है, जो डायरेक्टली आपके साथ एंगेज रहती है, जो मैसेजेस करती है, जो आपके फॉलोअर्स होती है, वो सारे के सारे आपके कोर ऑडियंस में आती है। सो ये एक चार तरह की एक फ्रेजेस होती है। जब भी हम एड चलाते हैं हमने इसको लास्ट में चेक करना होता है कि हमारी ऑडियंस कौन से फेज में है और हमने बार बार जो है वो ऑडियंस निकालनी होती है और ऑडियंस निकालनी होती है। अगर इसको मैंने मजीद आपको पिक्चर्स में समझाने के लिए तीन फेजेस में मैं इसको डिवाइड कर दूँ, वार्म और ऑडियंस।
कोर ऑडियंस वो जिसके ऊपर सबसे पहले आप पैसा लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते हैं, उसके बाद आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको पता चलता है ये वाला सेगमेंट है या ये वाला जो डाटा है इसके अंदर मेरी कन्वर्जन रेट ज्यादा आ रहे हैं, इसपे लोग ज्यादा मुझे देख रहे हैं, इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं, मेरी सीपीसी कॉस्ट मेरी बहुत कम है, आप उसको फिर मजीद टारगेट करते हैं और उसके बाद वो वाले लोग जो कि आपके जो आपके बार बार देखते हैं आपके एड को बार बार देखते हैं उसको फिर आप बार बार दिखाते हैं और आपकी कोशिश होती है कि चलो ठीक है अभी ये सब्सक्राइब किया है, अभी ये फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड इसका वीडियो देखे तो दोबारा कोशिश करते हैं कि ये दोबारा इसको एड देखे तो अब शायद ये परचेस कर ले, इसको फिर हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स लगाते हैं उनके लिए, हम समर सेल्स लगा सकते हैं, ईद सेल लगा सकते हैं कि जो हमारी वार्म ऑडियंस है उसको दोबारा से अट्रैक्ट करें हम, कि वो थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड किया है, उसको प्रायर नॉलेज भी है, वो परचेज भी करती रहती है तो हमसे परचेज कर रहे हैं, तो इस तरह से कुछ जो है ये ऑडियंस का हिसाब चलता है। अगर मैं इसको सेग्रीगेट मजीद करूँ तो सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप ऑडियंस को हिट करते हो, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे पाकिस्तान में अगर मैं लोकल बात करूँ तो आजकल बहुत ज़्यादा मुलाजत कर जमीन साहब का जो परफ्यूम है उसके एड्स चल रहे हैं उसके बाद फिर री एंगेजिंग का शुरू होगा, फिर उसके बाद कन्वर्जन के ऊपर आएगा, फिर कन्वर्जन से वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचेंगे, तो ये इनकी लीड होती है। ये बात अब आते है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास $10,000 है या जस्ट बहुत ज्यादा रहते चले मैं इसको लेस करूँ, हमारे पास $1,000 है, $1,000 को अगर हमें सेग्रीगेट करना है या फिर डिवाइड करना है इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, तीन पोर्शन में हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द फनल जो है जिसपे अवेयरनेस चल रही होती है हम सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द फनल पे लगा के ताकि वहां से ज्यादा से ज्यादा डाटा निकाल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर सके, उसके बाद हम 20% है वो उन लोगों के ऊपर लगाते हैं कि जो हमारे एक वार्म ऑडियंस होती है, हम लॉगिंग्स बार बार दिखाते हैं, ऑर्गेनिक सेल्स हम बार बार दिखाते हैं, व्यूज बार बार दिखाते हैं, तो हमारा कंसर्न होता है कि उसको फिर 20% पे बजट लगे, उसके बाद 10% बजट का हम उन लोगों के ऊपर रखते हैं जो कि बॉटम ऑफ फनल होते हैं, क्योंकि हमारी हॉट ऑडियंस है जो कि चीज हमसे परचेज करती है, हम बार बार उनको फिर दोबारा से कोई नई चीज दिखाते हैं, इस तरह से हम पूरी की पूरी जो अपनी बजट को हम प्लान करते हैं जिसमें हम जो है 70% 20% और 10% के हिसाब से लेकर चलते हैं, साथ साथ देखें 10% के हिसाब से कंज्यूम हो रहे हैं और 10% के हिसाब से हम अपने कन्वर्जन के हिसाब से चल रहे हैं, 20% जो हमारे पास ओल्ड ऑडियंस था उसमें से हमारा हॉट ऑडियंस बना, वार्म ऑडियंस बना जिसके ऊपर हमने 20% लगाया और उसको फिर कन्वर्ट किया 10% के ऊपर, और फिर बार बार इसी तरह से चीजें चलती ही रहती हैं, ये भी उसी तरह से ही है। अब अगर हम फेसबुक की ई कॉमर्स के फनल के हिसाब से बात करें, देखें एक तो ये फनल हो गया ना कि आपने लाइक वहीं पर आपने उसको सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग के ऊपर लगा दिया, ये भी हो सकता है कि वहीं पर आपने मैसेंजर के ऊपर लगा दिया, मैसेंजर पे ही आपने इंफॉर्मेशन ली कि कहाँ पे चाहिए एड्रेस है आपका और वहां पे आपने उसे मैसेंजर के ऊपर ही कॉरस्पॉन्डिंग करके उसको डिलीवर कर दिया प्रोडक्ट, ये भी पॉसिबल है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप रीडायरेक्ट करें उसको लेकर जाए अपनी वेबसाइट के ऊपर, कि उसको आपके अपनी बहुत सारी वेबसाइट दिखाई है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स है, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स है, आपकी फीमेल जो गार्मेंट्स से मुतल कोई आपकी वेबसाइट है आपकी कोई किस्म की, तो आप उसको बार बार उधर जो है वो लेकर जाते हैं और फिर बार बार रीटारगेटिंग करते हैं ताकि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आए और वेबसाइट से फिर आपकी सेल जो है वो जनरेट हो। जैसे ही हम फेसबुक की एड्स चलाते हैं हमें कुछ चीजें मिलती हैं, इसमें मेन मेन चीजें हम उसको देखेंगे कि हम किस तरह से ये देख सकते हैं कि हमारे जो एड चल रही है
इस किस्म की एड और उसमें हमारे पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कंपटीशन नहीं आ रही, या फिर उसमें किस तरह से जो है लेकर चलना है, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है कि जब तक आप टर्मिनोलॉजीज और कंटेंट्स की समझ आपको नहीं आएगी, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो एड आपके सामने इस वक्त चल रही है अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 5-6 एड्स चलाई हैं, उनमें से आपने कौन सी ऐसी एड को लेकर आगे चलना है और कौन सी ऐसी एड को आगे लेकर नहीं चलना, उसको ही स्टॉप करना है। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, आप नहीं चाहोगे कि आपकी आपके पैसे वहां पे लगे जहां पे कोई ध्यान नहीं आ रहा। सबसे पहले है सीपीएम। सीपीएम में ये होता है कि कॉस्ट पर 1000 के कितने लोगों ने आपके जो है व्यूज, कितने 1000 लोगों ने आपकी एड को देखा और उसमें आपकी बजटिंग कितनी लगी, नंबर वन। सेकंड, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, कितने लोगों को आपकी एड नजर आई और कितने लोगों ने आपकी एड पर क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लाख का बजट लगा है और 10 लोगों ने क्लिक किया, तो उसका मतलब सीपीसी जो है वो $10 होगा, कि 10 रुपए का या फिर $10 का मुझे एक सीपीसी कॉस्ट पर है, एक क्लिक मुझे कॉस्ट पर। इस तरह से सीपीए कॉस्ट पर एक्शन, कि किसने बाय किया प्रोडक्ट, क्लिक की और बात है, बाय जिसने किया उसके आपके ऊपर आपने देखना है कि सीपीए क्या है उसका। सीपीएल कॉस्ट पर लीड, कि आपको अगर लीड जनरेशन पर आप जा रहे हो, आपको लीड चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अच्छा सी, अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आप सीपीए की तरफ आप जाएंगे, पर अगर आप लीड जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट है वो यूरोप में, वो एक कायरोप्रैक्टिसर है, आपको पता होगा कि कायरोप्रैक्टिसर को जॉब होगा जैसे निकालते हैं, तो वो अब क्या है कि उनकी हमने मार्केटिंग करनी होती है जर्मनी में और ऑस्ट्रिया के अंदर, वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया को अपने सेलेक्ट किया हुआ और उनके हम टारगेट ऑडियंस को लेकर चलते हैं। हमारे सीपीए नहीं है, वो हमारे सीपीएल होते हैं, क्योंकि वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है, हमारे पास आती है और वो हमारी लीड जनरेशन होती है और हम लीड के हिसाब से उनसे हम जो है हमें पैसे आते हैं, वो सीपीएल होते हैं क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज का जहां तक मामला होता है तो वो सीपीएल होते हैं। ये मैंने कुछ डिटेल से बताया, ये मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सीपीएल get paid for every 1000 impressions, क्या वो 1000 impressions पर आपको कितना जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। CPC बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीपीसी देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एड कैंपेन कैसी चल रही है, कि आपने कितने लोगों को आपने एड दिखाया और कितने लोगों ने एड देखा, उस पर कितने पैसे लगे। और इसके आगे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको मैंने वो भी डाल दी क्या नाम है, फॉर्मूले भी ऐड कर दिए, कि आपको आईडी हो किस तरह से ये चीजें चलती है, सीपीएम कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइज स्पेंड और नंबर ऑफ इंप्रेशंस पर 1000 इसका मतलब सीपीएम सीपीसी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइज ओवर नंबर ऑफ क्लिक्स, ये टोटल आपके आपके कितनी एडवर्टाइजमेंट लगी और उसके ऊपर आपके डिवाइड किए नंबर ऑफ क्लिक्स, सीपीए के एडवर्टाइजमेंट की क्लिक एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कितनी है और नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी आपके पास आई। ये आपका क्लिक थ्रू रेट है। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 100 इज अ क्लिक थ्रू रेट, कि आपकी एक क्लिक रेट में आपका रेटिंग कितनी जा रही है, आपको एक ग्रुप में कितने रेट बढ़ना करना पड़ रहा है। और साथ आरओआई फॉर्मूला है आरओआई का, ये आप देख लीजिएगा, टर्नओवर इन्वेस्टमेंट जिसमें आपके टोटल एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये आपका आरओएस किया।